नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी से टीवी 20 न्यूज यह उम्मीद करता है कि रंगों का त्यौहार होली आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। अब एक नजर खबरों की तरफ। आजमगढ़ में नगर के रिक्शा स्टैंड परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में भागीदारी संकल्प मोर्चा के भी पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंडल अध्यक्ष दिनेश राजभर ने संगठन पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ता संगठन के रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही हर जंग को बड़ी आसानी के साथ जीता जा सकता है। कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में पैठ बनाने की रणनीति भी तैयार की गई है, जिससे कि उनके सुख और दुख को समझा जा सके। जी भैया, मैं दिनेश राजभर हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष आजमगढ़। आज के संबंध में आप लोग बैठक यहाँ? जी जी, पहले तो ये जान जाइए कि हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले यह मीटिंग किए हुए हैं, और हमारी पार्टी का एक बैलाज में एक अंक दर्शाया गया है कि हर 5 तारीख को जिले की मासिक बैठक उस जिले के अंदर करेंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कितना संगठन बना है, उस संगठन की समीक्षा के लिए हम लोग हर 5 तारीख को पूरे प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिले की बैठक करती है। उस जिले की बैठक में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, गांव से लेकर के विधानसभा, ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश के नेता भी उपस्थित हुआ करते हैं। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा आप लोग कर रहे हैं? बस वही हमारा मुद्दा है, संगठन को किस हालात में मजबूत करें। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम 2022 में अपनी सरकार बनाकर हम गरीबों के हक और अधिकार को दिलाएंगे। हमारे साथ